देश दुनिया के इतिहास में 14 जनवरी का दिन कई घटनाओं का गवाह बना। आज के दिन फार्मूला बन चालक नारायण कार्तिकेयन के जन्म समेत कई बड़ी घटनाएं घटी। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से इन घटनाओं की अहमियत से रूबरू करवाएंगे। आज के दिन 1641 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ने मलक्का शहर पर विजय प्राप्त की थी। 1761 में आज ही के दिन भारत में मराठा शासकों और अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। आज ही के दिन 1809 में इंग्लैंड और स्पेन ने नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ गठबंधन किया था। ब्रिटिश शासन के अधीन ICS अधिकारी और स्वतंत्रता के बाद भारत के तीसरे वित्त मंत्री CD देशमुख का जन्म आज ही के दिन 1896 में हुआ था। भारतीय हिंदी और मराठी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री दुर्गा खोटे का जन्म आज ही के दिन 1905 में हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता और पुर्तगाली साम्राज्यवादियों से गोवा को मुक्ति कराने में अहम भूमिका निभाने वाली सुधा ताई जोशी का जन्म आज ही के दिन 1918 में हुआ था। आज ही के दिन 1918 में फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री जोसेफ कैलाक्स को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। भारत की सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका महाश्वेता देवी का जन्म आज ही के दिन 1926 में हुआ था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 36वें भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश योगेश कुमार सबरवाल का जन्म आज ही के दिन 1942 में हुआ था। 1954 में आज ही के दिन जगत गुरु कृपालु महाराज ने 7 दिनों तक 500 से ज्यादा हिंदू विद्वानों के समक्ष भाषण दिया था। कृपालु महाराज को 5वां जगत गुरु चुना गया था। आज ही के दिन 1969 में भारत के दक्षिणी राज्य मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया था। 1975 में आज ही के दिन सोवियत संघ ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को समाप्त किया था। भारत के एकमात्र फार्मूला बन चालक नारायण कार्तिकेयन का जन्म आज ही के दिन 1977 में हुआ था। आज ही के दिन 1986 में ग्वाटेमाला में बिनिसियो केरजो 6 वर्षों के बाद पहले असैनिक राष्ट्रपति बने थे। 1994 में आज ही के दिन यूक्रेन, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मास्को में परमाणु अस्त्र कम करने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। आज ही के दिन 1999 में भारत का पहला अत्याधुनिक हवाई यातायात परिसर दिल्ली में राष्ट्र को समर्पित किया गया था। वर्ष 2000 में आज ही के दिन कंप्यूटर के बादशाह बिल गेट्स ने स्टीव वाल्मर को विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी सौंपी थी। आज ही के दिन 2009 में सरकार ने विदेशी पत्रों के फेसी माइल संस्करणों से 100% विदेशी निवेश को मंजूरी देने की घोषणा की थी। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।